Hi everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And don't forget to press the bell icon. If you want to join our Telegram group, you can click on the link given in the description. और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है रिप्रोडक्शन इन हायर एंड लोअर प्लांट्स। ये टॉपिक नंबर वन है फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड ट्वेल्थ बायोलॉजी इस टॉपिक में ये सारे सब पॉइंट्स कवर करने हैं जिसमें से पहले कुछ सब पॉइंट्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है वीडियो पार्ट वन एंड पार्ट टू में यदि आपने उनमें से कोई भी वीडियो मिस किया है तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे पहले वाले वीडियोस कवर कर सकते हो और आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो है पॉलिनेशन तो पिछले वीडियो में हमने देखा है कि पोलर ग्रेन कैसे बनते हैं मेल गैमेटोफाइट और फिर फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है अब ये दोनों में यदि फर्टिलाइजेशन होना है तो उसके लिए वहां पॉलिनेशन होना जरूरी है मतलब आपका नॉन मोटाइल जो पोलन ग्रेन था उसको आपके फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंचना जरूरी है तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक पोलिनेशन के साथ तो पोलन ग्रेन जो है हमने कल ही देखा है जो पोलन ग्रेन है वो मेन मेल गैमेटोफाइट है वो नॉन मोटाइल है मतलब वो खुद मूव नहीं कर सकते और इसलिए एनजियो जो हैं, उन्होंने बहुत सारे टेक्निक्स का हेल्प लिया है अपने पोलन ग्रेन को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए जैसे कि अबायोटिक फैक्टर्स दैट इज नॉन लिविंग फैक्टर्स का विंड वाटर या फिर बायोटिक एजेंट्स का दैट इज लिविंग फैक्टर्स का हेल्प लिया है जैसे कि बर्ड्स इंसेक्ट्स स्नेल्स जिससे वो अपने पोलन ग्रेन को में एक पार्ट से दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट तक ले जा सके अब ये करते हैं ये प्लांट्स टू देर फ्लावर्स जिससे इंसेक्ट स्नेल्स बर्ड्स या वीन वाटर आते हैं उनके पास और उन्हें एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ले जाते हैं दैट इज पोलन ग्रेन को मोबाइल करते देते हैं अब पोलन ग्रेन नॉन मोटाइल है मूव नहीं हो सकता इसलिए उसे जरूरत है एक्सटर्नल एजेंट की जो उसका मूवमेंट एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक करा सके तो बेसिकली अब का डेफिनेशन क्या है तो है ट्रांसफर ऑफ ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर तो एंथर हुआ आपका मेल पार्ट जहां पे पोलन ग्रेन डेवलप हुआ था टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर जहां फीमेल जो गैमेटोफाइट है वहां तक पहुंच सके तो इसलिए पॉलिनेशन बेसिकली है आपके नॉन मोटाइल पोलिन ग्रेन का मूवमेंट फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ़ फ्लावर जिसके लिए आप बायोटिक और अबायोटिक एजेंट्स का हेल्प लिया जा सकता है यहाँ पे पॉलिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉलिनेशन फर्स्ट स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन है जहां मेल और फीमेल गैमेट दोनों भी जो नॉन मोटाइल हैं वो साथ आ सके ये मेल और फीमेल गैमेट्स जो है दो डिफरेंट साइड पे प्रोड्यूस होते हैं इसलिए वो दोनों को साथ आने के लिए पॉलिनेशन की बहुत जरूरत है और इसलिए पॉलिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना प्ले करता है या रोल प्ले करता है फॉर फर्टिलाइजेशन तो पॉलिनेशन बेसिकली दो क्लास class में क्लासिफाई होता है एक है सेल्फ पॉलिनेशन दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन जैसे कि ये वर्ड खुद बता रहा है इस टाइप ऑफ पॉलिनेशन में एक सिंगल फ्लावर या फिर दो फ्लावर जो सेम प्लांट के हैं वो इन्वॉल्व होते हैं जिसमें जो है वो पॉलिनेशन खुद से खुद ही कर लेता है मतलब एक फ्लावर, एक फ्लावर सिंगल फ्लावर में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट दोनों होते हैं जहां से पोलन ग्रेन खुद ही चला जाता है फीमेल गैमेटोफाइट पे या फिर एक ऐसा प्लांट जिसपे दो अलग फ्लावर हैं और एक फ्लावर का मेल गैमेटोफाइट दूसरे फ्लावर के फीमेल के पास जा रहा है तो यह हुआ सेम प्लांट में तो यह है सेल्फ पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन की यह खासियत है कि जो उसके ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो जेनेटिकली और मार्फोलॉजिकली एकदम सेम होंगे क्योंकि उनमें जो फ्लावर्स की प्रॉपर्टीज सेम होंगे क्रॉस पॉलिनेशन मीन्स बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट्स तो यहाँ दो डिफरेंट प्लांट्स होंगे जिसमें से एक प्लांट से मेल गैमेट दैट इज पोलन ग्रेन जाएगा स्टिग्मा ऑफ सेकेंड प्लांट के फ्लावर पे तो यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन होता है फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट बट सेम स्पीशीज दोनों भी यदि हिबिस्कस के फ्लावर है तो दोनों हिबिस्कस की प्लांट रहेंगे बट एक प्लांट के फ्लावर का आपका स्टिग्मा पे दूसरे प्लांट के फ्लावर का एंथर आके बैठेगा तो ये क्रॉस पॉलिनेशन तो क्रॉस पॉलिनेशन में मार्फोलॉजिकल और जेनेटिकल सिमिलरिटी नहीं रहते ऑफ़प्रिंग में क्योंकि तो यहाँ दो डिफरेंट प्लांट इन्वॉल्व है तो याद रखें ये थ्री टाइप्स ये टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन अब ये टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के बेसिस पे थ्री पॉलिनेशन फर्दर डिवाइडेड है फर्स्ट है ऑटोगैमी दूसरा है जीटेनोगैमी और नेक्स्ट है एग्जनोगी अभी तीनों का मीनिंग क्या है पहला है ऑटोगी दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन इस टाइप के पॉलिनेशन में बाइसेक्सुअल फ्लावर्स यूज होते हैं मतलब एक ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों भी एक ही फ्लावर में है और एंथ एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन दूसरे मतलब उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके बैठ जाता है ठीक है तो यहाँ है और उसी फ्लावर का खुद का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के खुद के स्टिग्मा पे जाके बैठ रहा है तो उसे कहेंगे ऑटोगैमी यहाँ पे आपके ऑफस्प्रिंग्स जैसे मैंने आपको बताया था सेल्फ पॉलिनेशन में जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होंगे उनके पेरेंट्स से ऑटोगेमी का एग्जांपल है पी प्लांट पी प्लांट के फ्लावर्स बायसेक् होते हैं और एक ही फ्लावर से खुद के ही फ्लावर से पोलन ग्रेन खुद के फ्लावर के स्टिग्मा पे जाता है नेक्स्ट है जीटेनोगी यहाँ पे ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन का फ्रॉम स्टिग्मा ऑफ वन फ्लावर टू टू एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर तो यहाँ पे ट्रांसफर कैसे हो रहा है एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो रहा है बट दोनों फ्लावर सेम प्लांट में है ये याद रखें बट दोनों फ्लावर सेम प्लांट में है बट स्टिल इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन क्योंकि यहां पे एक एजेंट की जरूरत पड़ेगी जो पॉलिनेशन करेगा बट स्टिल यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ पे जो प्लांट है वो सेम है भले ही दो डिफरेंट फ्लावर्स इन्वॉल्व थे बट प्लांट सेम है एग्जाम्पल बीटा मैग्जीमा नेक्स्ट है दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एजेंट्स और दोनों फ्लावर टू डिफरेंट प्लांट्स को बिलोंग कर रहे हैं तो एक फ्लावर के एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर तक जाएगा आपका एंथर तो एंथर एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगा दोनों प्लांट सेम स्पीशीज के होंगे याद रखिए बट टू डिफरेंट प्लांट्स होंगे और यहाँ पॉलिनेशन के लिए आपको जरूरत पड़ेगा पॉलिनेटिंग एजेंट की क्योंकि ये दो डिफरेंट प्लांट है दो डिफरेंट प्लेसेस पे होंगे और एक फ्लावर के जो एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिक वहां पे पहुंचने के लिए किसी की हेल्प चाहिए होगी अब यहाँ पे जो आपके ऑफस्प्रिंग्स या न्यू जनरेशन बनेंगे वो जेनेटिकली डिफरेंट होंगे क्योंकि यहाँ टू डिफरेंट प्लांट्स इन्वॉल्व हैं। भले स्पीशीज सेम है बट टू डिफरेंट प्लांट्स इन्वॉल्व तो ये थ्री मेन टाइप ऑफ पॉलिनेशन है तो एग्जाम में आपको पूछा जाए डिफाइन पॉलिनेशन एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन तो आपको ये थ्री टाइप्स लिखना है और ओ वाला डेफिनेशन ऑफ पॉलिनेशन नेक्स्ट है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन तो पॉलिनेशन के दो बेसिक एजेंट्स हैं पहला है अबायोटिक एजेंट दूसरा है बायोटिक एजेंट अबायोटिक एजेंट मींस नॉन लिविंग एजेंट और बायोटिक एजेंट मींस लिविंग एजेंट तो याद रखें अबायोटिक एजेंट में हम पढ़ेंगे विंड एंड वाटर और बायोटिक एजेंट में हम पढ़ेंगे इंसेक्ट्स बर्ड्स एंड बैट्स ओके तो ये हमारे सिलेबस में तो पहले हम देखते हैं एजेंट्स दैट इज विंड एंड वाटर तो अबायोटिक एजेंट्स वो एजेंट्स जो नॉन लिविंग है और इंक्लूड होते हैं विंड एंड वाटर तो पहले पॉलिनेशन बाय विंड जिसे एनिमोफिली कहते हैं तो याद रखे एनिमोफिली मीन पॉलिनेशन बाय विंड जो ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्रॉप प्लांट्स हैं वो विंड पॉलिनेटेड होते हैं ठीक है जो क्रॉप प्लांट्स हैं जैसे कि वीट मेज ज्वार ये सब विंड पॉलिनेटेड होते हैं जो इंक्लूड करते हैं वीट राइस कॉर्न बार्ले ओट्स पाम्स जो है वो भी विंड पॉलिनेटेड है अब इन विंड पॉलिनेटेड जो प्लांट्स हैं उनके फ्लावर्स को कुछ एडेप्टेशन करना पड़ता है तो देखिए एडेप्टेशन इन एनोमोफिलस फ्लावर्स मतलब ये एनोमोफिलस फ्लावर्स जिनमें पॉलिनेशन बाय विंड होता है उनके फ्लावर को कुछ जो है वो चेंजेस करना होगा एडेप्टेशन करना होगा जिससे उनका पोलन ग्रेन वहां से जा सके तो पहला उनके फ्लावर स्मॉल होते हैं इनकॉन्फिशियस होते हैं और कलरलेस होते हैं उन्हें कोई जरूरत नहीं है कलर की उन्हें अट्रैक्शन की इंसेक्ट से क्योंकि विंड अपना काम करने वाला है इन फ्लावर्स में नेक्टर भी नहीं होता और फ्रेगनेस भी नहीं होता नेक्टर मतलब जो पार्ट दूसरी पार्ट जो इंसेक्ट्स और बर्ड्स ले लेते हैं फ्लावर से तो उन्हें ये नेक्टर बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि विंड को नेक्टर की जरूरत नहीं पड़ता और इन्हें सुगंधित या अट्रैक्टिव होने की भी जरूरत नहीं है इनके पोलन ग्रेन जो है वो लाइट वेट होते हैं हल्के होते हैं जिससे विंड उन्हें उड़ा के ले जा सके वो ड्राई होते हैं और इनके जो पोलन ग्रेन हैं वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं बहुत ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं ऐसा क्यों क्योंकि ये विंड पोलिनेशनेशन होने वाला है और विंड पॉलिनेशन में वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन भी होने वाला है तो वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन को कंसीडर करके ये प्लांट्स बहुत लार्ज नंबर में पोलन ग्रेन्स बनाते हैं इनके स्टिग्मा फेदरी होते हैं इनका स्टिग्मा फेदरी इसलिए होता है कि जो उड़ते हुए पोलन ग्रेन आए उनको वो ट्रैप कर सके ठीक है तो विंड करंट के साथ जो पोलन ग्रेन उड़ते हुए आने वाले हैं तो इनके जो फेदरी ऐसे स्टिग्मा है ये ऐसे स्टिग्मा होते हैं अब उड़ते हुए जो पोलन ग्रेन आ रहे हैं उन्हें ये ट्रैप कर सके स्टेमिन जो है, है, तो है? एक्सर्टेड होते हैं और उनके पास करंट को एक्सपोज होते हैं कि वीन के कॉन्टेक्ट में इजली आ जाए और इजिली वो पोलन ग्रेन उड़ा के ले जाए और स्टिग्मा इजिली वो पोलन ग्रेन को कैच कर सके तो उसका एग्जाम्पल है मेज प्लांट ये डायग्राम कभी एग्जाम में नहीं आता बट एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता देती हूँ प्लांट जो है वो प्लांट है उसका जो मेल इंफोल है वो वो ऊपर के के साइड होता है वो है ठीक जिससे विंड में ज्यादा रहे उसके लीफ देखिए ऐसे चौड़े से होते हैं ओके और उसके रूट्स आप देख सकते हो नीचे ये है प्रॉप रूट्स जो नकली रूट्स होते हैं जो सपोर्ट सिस्टम के लिए होते हैं ठीक है थीके? और ये उसके सीड्स हैं तो इस तरह से ये मेज़ प्लांट है नेक्स्ट पॉलिनेशन बाई वॉटर दैट इज हाइड्रोफिली हाइड्रो ये फाउंड किया जाता है मतलब बाय वाटर फाउंड होता है, थर्टी जेनरा ऑफ एक्वाटिक मोनोकोट्स में जैसे कि वल्सेरिया, जोस्टेरा ओके ये सब में जो है पॉलिनेशन बाय वाटर होता है अब कुछ एडेप्टन हाइड्रोफिलस फ्लावर्स को भी करने पड़ते हैं जैसे कि हाइड्रोफिलस फ्लावर भी स्मॉल होते हैं एंड इनको होते हैं मतलब उनको कलर ये सबकी जरूरत नहीं पड़ती या पेरिनेट और अदर फ्लोरल पार्ट्स आर अनवेटेबल मतलब उनके जो फ्लावर का जो पार्ट्स होता है वो गीला नहीं हो सकता भले ही पानी के कॉन्टेक्ट में रहे वो गीला नहीं हो सकता क्योंकि उनके ऊपर एक लेयर बना रहता है वैक्सी लेयर जिससे वो गीला ना हो जो पोलन ग्रेन्स है इस फ्लावर के वो लॉन्ग होते हैं और अनवेटेबल होते हैं क्योंकि इन पोलन ग्रेन्स पे म्यूसीलेज का एक लेयर होता है तो इन पोलन ग्रेन्स पे और फ्लावर्स पे भी म्यूसीलेज का एक लेयर होता है जिससे वो गीले ना हो जिससे वो जल्दी सड़े ना उनका नेक्टर और फ्रेग्रेंस नहीं होता इन फ्लावर्स में क्योंकि इन्हें किसी को अट्रैक्ट नहीं करना होता करेक्ट तो और वाटर पॉलिनेटेड जो प्लांट्स होते हैं उनमें किसी को अट्रैक्शन करना नहीं है उन्हें पॉलिनेशन के लिए उनको विंड और वाटर की जरूरत है जिसे कलर और फ्रेग्रेंस से कोई लेना देना नहीं है इसलिए ये फ्लावर्स जो है वो बेजान होते हैं मतलब तो कलर नहीं होता है स्मेल नहीं होता है ठीक है अब हाइड्रोफिली फ्लावर अब दो टाइप में होता है पहला होता है हाइपोहाइड्रोफिली और दूसरा है ईपी हाइड्रोफिली हाइपोहाइड्रोफिली वो फ्लावर्स है जिनमें पॉलिनेशन होता है वाटर सरफेस के अंदर तो वाटर सरफेस के अंदर यहां है उसे कहोगे आप हाइपोहाइड्रोफिली पोलन जो है वो हेवियर होते हैं water, कि उस सिंक ना हो, उस, उस पानी में तैरते रहे और स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर थ्रू पकड़े जा सके जैसे कि सीग्रास जहाँ पे पोलन ग्रेन जो है वो लॉन्ग होते हैं रिबन लाइक होते हैं और उनमें एक्साइन भी नहीं होता मतलब उनमें आउटर कोटिंग नहीं होता ठीक आउटर कोटिंग तो ये पोलन ग्रेन जो है वो पानी से हैवी होते हैं वो पानी में फ्लोट होते रहते हैं और उनकी जो स्टिग्मा है वो आके इन फ्लावर को मतलब वो जब स्टिग्मा के करीब जाते हैं वो फ्लावर को खुद ही फ्लावर का स्टिग्मा खुद ही इन पोलन ग्रेन्स को पकड़ लेता है और यह सब हो रहा है पानी के सरफेस के अंदर इसलिए यह है हाइपोहाइड्रोफिल। नेक्स्ट है ईपी हाइड्रोफिल ईपी में जो पॉलिनेशन हो रहा है वाटर सरफेस के ऊपर हो रहा है तो यहाँ पोलन ग्रेन जो है वो फ्लोट होते हैं वाटर सरफेस के ऊपर और पहुंच जाते हैं स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर तक एग्जाम्पल वेलसेनिया जो समर्ड होता है पानी के अंदर मतलब पानी के अंदर डूबा होता है बट वो तो फ्रेश वाटर एक्वाटिक प्लांट है जहां फीमेल फ्लावर्स जो हैं, वो वाटर सरफेस पे टेम्पररीली आ जाते हैं और मेल जो फ्लावर्स हैं, उनमें से जो पोलन ग्रीन निकला है उसको वो ले लेते हैं ठीक है तो यहाँ पे जो ये वेल्सेरिया है इसका डायग्राम ये है तो यहाँ पे देखिए वेल्सेरिया में ये है आपका फीमेल प्लांट और ये है मेल प्लांट तो ये दोनों प्लांट डिफरेंट होते हैं फीमेल प्रोड्यूस फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट और मेल फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट दो डिफरेंट प्लांट है अब जो फीमेल फ्लावर जो होता है उसका जो स्टेम होता है ना वो एक्चुअली ऐसा होता है वो ऐसे क्वॉइल होता है और पे फ्लावर फ्लावर होता है 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 ठीक जब जब अब जब ये फीमेल हो जाता है, तब ये वाला स्टेम अनकॉइल हो जाता है और वाटर सरफेस तक पहुंच जाता है तो ये स्टेम अब जो पहले ऐसे अनकॉइल था अब वो अनकॉइल हो गया है और वाटर सरफेस तक पहुंच गया है

कुछ एक्वाटिक प्लांट्स एनिमोफिलस भी होते हैं और कुछ एक्वाटिक प्लांट्स एंटोमोफिलस भी होते हैं जैसे कि लोटस वाटर हाइसेंट वाटर लिली नेक्स्ट है बायोटिक एजेंट्स मीन्स लिविंग एजेंट्स तो बायोटिक एजेंट्स मतलब वो एजेंट्स जो लिविंग एजेंट्स है अब जो अबाउट 80% ऑफ प्लांट्स जो हैं, वो रिक्वायर करते हैं लिविंग मूविंग क्रिएचर्स जैसे कि इंसेक्ट्स बर्ड्स बैट्स स्नेल्स जिससे पॉलिनेशन हो सके जिससे उनके पोलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंच सके तो सिर्फ 20% परसेंट प्लांट से जो विंड और वाटर दैट इज अबायोटिक एजेंट थ्रू पॉलिनेशन करवाते हैं बट 80% प्लांट्स है जिन्हें बायोटिक एजेंट्स की जरूरत है पॉलिनेशन करने के लिए जिससे हमारा इकोसिस्टम और नेचुरल रिसोर्सेस में हेल्प होता है प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए तो पहले हम देखते हैं पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स जिसे एंटेमोफिली कहते हैं ठीक है ठीके? तो पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट तो इसमें जो प्लांट्स इंक्लूड होते हैं वो होते हैं रोज जैस्मिन कैस्ट्रम यहां पे इंसेक्ट्स पॉलिनेशन करते हैं अब एडेप्टेशन इन एंटेमोफिलस फ्लावर्स वो फ्लावर्स को अट्रैक्टिव होना चाहिए स्मेल होना चाहिए तभी वो इंसेक्ट उन तक पहुंचेगा और वहां से पोलन ग्रेन लेके जाएगा तो ये फ्लावर्स जो है वो लार्ज होते हैं शोई होते हैं और बहुत ज्यादा ब्राइट कलर्स के होते हैं इन फ्लावर्स में एक स्वीट स्मेल होता है और उनमें नेक्टर ग्लैंड होता है जो स्वीट जूसेस प्रोड्यूस करता है इंसेक्ट को फीड करने के लिए इनके स्टिग्मा जो है वो रफ होते हैं क्योंकि इनपे एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है और इसमें स्टिकी होता है ये स्टिग्मा ड्यू टू म्यूसिल एंजीनियर सिक्रेशन तो ये स्टिग्मा कैसा होता है इस पे ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है रफ होता है और उसमें एक स्टिकी सिक्रेशन आता है जिससे कोई इंसेक्ट जो पोलन ग्रेन लेकर आए वो स्टिग्मा पे इजिली स्टिक हो जाए ये पोलन ग्रेन जो एंटेमोफिलस फ्लावर्स के होते हैं वो भी स्पाइनी होते हैं जो इंसेक्ट के ऊपर जल्दी से स्टिक हो जाए वो सराउंडेड होते हैं बाय येलो स्टिकी सब्सटेंस कॉल पोलन किट तो इनके पोलन जो ग्रेन्स भी है वो स्पाइनी है और इनके ऊपर जो येलो सब्सटेंस लाइक पोलन किट होता है कुछ प्लांट्स हैं उनमें स्पेशल अडैप्टेशंस होते हैं जिससे इंसेक्ट विजिटर उनमें आके क्रॉस पोलिनेशन कर सके जैसे कि जो लीवर मैकेनिज्म या टर्न पाइप मैकेनिज्म है सेल्विया प्लांट में तो लीवर मैकेनिज्म या टर्न पाइप मैकेनिज्म सेल्विया प्लांट दिखाता है तो यह है आपका सेल्विया प्लांट सेल्विया प्लांट में एक्चुअली दो एंथर होते हैं एक इधर एक इधर ये नीचे वाला इनएक्टिव एंथर होता है ऊपर वाला एक्टिव एंथर, एंथर होता है जैसे इंसेक्ट आके इधर बैठता है तो इस एंथर पे तो ऊपर वाला एंथर आके अपना जो पोलन ग्रेन इस इंसेक्ट के बैक साइड में अटैच कर देता है इसलिए इसको लीवर मैकेनिज्म कहते हैं ठीक है और फिर ये जो इंसेक्ट है वो पोलन ग्रेन लेके जब मेच्योर सेल्बिया फीमेल फ्लावर के पास जाएगा तो वो पिकअप कर लेगा ये पोलन ग्रेन तो इसे कहते हैं लीवर मैकेनिज्म नेक्स्ट बाय बर्ड्स जिसे ऑर्निथोफिली कहते हैं खुद जो कुछ बर्ड्स हैं वो बहुत स्पेशलाइज्ड होते हैं पॉलिनेशन के लिए उनमें जो एडेप्टन होते हैं बर्ड में खुद ही होते हैं कि वो पॉलिनेशन कर सके जो birds जो जो पे जो जो होते 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 हैं, जो हैं, होते हैं, 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 के 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 लिए वो 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 पे जाए, और उनके उनके कि अंदर तक पहुंच सके जैसे की सनबर्ड्स हमिंग बर्ड्स ठीक है कुछ ऑर्थिनोफिल्लावर प्लांट्स जो है वो है बॉम्बेक्स बॉटल ब्रश एंड बुटिया

फ्लावर्स जो है वो जनरली विदाउट फ्रेग्रेंस होते हैं क्योंकि बर्ड्स में ना अच्छा सेंस ऑफ स्मेल नहीं होता बर्ड्स ज्यादा अच्छा स्मेल नहीं ले सकते इसलिए उन्हें फ्रेग्रेंस की जरूरत नहीं पड़ती बट वो कलर्ड होते हैं उनमें नेक्टर होता है वो लार्ज होते हैं और वो फ्लावर्स भी शोई होते हैं लास्ट है पोलिनेशन बाय बैट्स टेरोफिली अब बैट जो है वो पोलन ग्रेन्स को लॉन्ग डिस्टेंस तक लेके जा सकते हैं सेवरल किलोमीटर तक तो एडेप्टेशन इन चेरोप्टोफिलस फ्लावर्स यहाँ फ्लावर्स जो है वो डल कलर के होते हैं विद स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस क्योंकि जो बैट है उसे कलर से कोई जरूरत नहीं है बट उसमें एक स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होता है ये सिक्रिट करते हैं बहुत ज्यादा नेक्ट जिससे बैट अट्रैक्ट होके उनके तक आए और पोलन ग्रेन लेके जाए जो फ्लावर्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं पोलन ग्रेन्स, जैसे कि कदम ट्री ठीक है एडेमसोनिया सब ट्री जो है वो बैट्स पॉलिनेशन कराते हैं और उनमें जो है बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ नेक्टर होता है बट उनके फ्लावर्स कलरलेस होते हैं और उनमें स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होता है एंड दैट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04 at theredgmail.com. If you like my video, give me a thumbs up, share this video to more and more of your friends. और याद रखें, ये जो है biology की videos जो हैं, ये recorded videos हैं. अब इसके, मतलब ये आप videos वापस हमारे channel पे available, आप देख सकते हो. आपको और भी कुछ चाहिए तो आप मुझे suggestion दे सकते हो. और मेरे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूले दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू स्टे ट्यू